जिनका हर वचन वायरल होने की गारंटी है। अब जैसे मैंने कहा बिस्कुट, बिस्कुट में जहर कूट कूट के भरा है। महिलाओं पर उनके बयान जितने विवादित हैं, उससे ज्यादा वो महिलाओं के बीच पॉपुलर हैं। आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो। क्या है बाबा की इस फैन फॉलोइंग का रहस्य? कि महिलाएं आपको लाइक कर रही हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट कर रही हैं। नारी को प्रसन्न करना है तो केवल एक ही उपाय है। तो कितना समय आप सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं? मैं अपने को ही देखता हूँ। भक्तों को जीने की राह दिखाने वाले अनिरुद्धाचार्य खुद कैसा जीवन जीते हैं? बाबा के विवादों पर स्पेशल प्रोग्राम तो हम आपको बाबा को जी न्यूज में बुलाकर दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार बाबा के रहस्यों से पर्दा उठाने जी न्यूज खुद पहुंचा वृंदावन, जहां पर मौजूद है अनिरुद्धाचार्य महाराज का गौरी गोपाल आश्रम। यहां पर जी न्यूज के सामने महाराज के सारे रहस्यों से पर्दा उठ गया। अनिरुद्धाचार्य जिस कमरे में रहते हैं, जिस अलमारी से निकालकर कपड़े पहनते हैं, जिस ड्रेसिंग टेबल के सामने श्रृंगार करते हैं, जहां पर अपने भक्तों से मिलते हैं, जहां अपने परिवार के साथ वक्त गुजारते हैं, वो सारी जगह आप पहली बार देखेंगे टीवी पर। ये तस्वीरें खोलेंगी अनिरुद्धाचार्य महाराज के अनसुने रहस्यों को। नमस्कार, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूँ गौरव राजगुप्ता और मेरे साथ में हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, मशहूर कथावाचक हैं, लाखों इनके फॉलोवर्स हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। महाराज जी आपका बहुत स्वागत है। पिछली बारी आप जी न्यूज के मंच पे, जी न्यूज के स्टूडियो में थे, आज जी न्यूज की टीम आपके स्टूडियो में आपके मंच पर है जी। और आज हम चर्चा करेंगे आपके 10 रहस्यों के बारे में। लोगों ने आपको सोशल मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे लोग आपको पसंद करते हैं, बात करते हैं कि जो आप सोशल मीडिया के जरिए जो उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, उससे लोगों के जीवन में असर पड़ रहा है। लेकिन आपके प्रवचन मीम बन जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, फिर लोग उस पर भी मीम बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, रील बनाते हैं। तो आज लेकिन आपके रहस्यों की 10 रील हम बनाएंगे, तैयार हैं आप? जी। सबसे पहले जी न्यूज ने अनिरुद्धाचार्य महाराज की उम्र, पत्नी और गृहस्थ आश्रम से जुड़े रहस्यों की जानकारी ली। महाराज जी ये बताएं कि आप इतनी गहरी बात करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जब कमेंट आते हैं या जब आपके कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं कि छोटे बच्चे की तरह आप कुछ एक्ट करते हैं, कभी आप ऐसे गाड़ी चला रहे होते हैं, कभी झूला झूल रहे होते हैं, लेकिन आप गहरी बात करते हैं, तो लोगों के मन में सवाल यह है कि बाबा जी की जो उम्र है वो बड़ी रहस्यमंद है। उम्र कितनी है आपकी? 33 साल। लेकिन हम बता दें महाराज जी की शादी भी हो चुकी है, महाराज जी के बच्चे भी हैं, थोड़ा बताएं महाराज जी विस्तार में। जी आप सबकी तरह ही हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ आश्रम में रह करके ही सेवाएं जो बनती हैं सेवाएं करते हैं। सेवा एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। सेवा करके ही समाज की, माता पिता की, यहाँ 280 वृद्ध माएँ रहती हैं और उनकी सेवा करके ही और गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज की पत्नी जो अनुयायियों के बीच गुरु माता के नाम से जानी जाती हैं, सुंदर भजन गाती हैं, लेकिन उनका नाम ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो महाराज जी गुरु माता के नाम क्या है? आरती तिवारी, आरती नाम है। अपने भक्तों को नई राह दिखाने वाले अनिरुद्धाचार्य के बयान विवाद भी बनते हैं, ऐसे में उनकी शिक्षा के बारे में भी सोशल मीडिया में काफी दिलचस्पी है। पढ़ाई तो शास्त्रों की हमने 2006 से स्टार्ट की और गुरु चरणों में रह करके ग्रंथों को, पुराणों को जितना पढ़ सके। हमारे यहाँ अथाह सागर है ज्ञान का। इस संसार में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण ज्ञाता हूँ, क्योंकि अथाह ज्ञान है। तो गुरु चरणों में बैठकर कुछ बूंदे ज्ञान की गुरु जी ने दास को दी और उस ज्ञान को दास ने ग्रहण किया। और अभी कुछ समय पहले अमेरिका और अफ्रीका की यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी संस्थाएं हैं जो ये देखती हैं कि कौन बढ़िया कार्य कर रहा है। तो अभी अमेरिका और अफ्रीका की दो यूनिवर्सिटियों के द्वारा गौरी गोपाल की सेवा को सर्वोच्च माना गया। यहाँ वृद्धमाओं की सेवा और यहाँ जो अखंड रसोई चलती है उसके लिए मुझे मानद PhD की उपाधि दी गई है दो जगह से, दो देशों से मुझे दी। डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं आपके नाम के। लेकिन महाराज जी जब आधुनिक पढ़ाई की बात करते हैं
ठीक है, बहुत हमारे देश में गुरुकुल भी हैं, वहाँ की पढ़ाई भी होती है, लेकिन उसमें भी स्नातक भी होता है, उसमें स्कूलिंग भी होती है, हायर स्टडी भी होती है, आचार्य होता है। हमारे यहाँ ना वैदिक शिक्षा में भी सरकार ने शास्त्री और आचार्य भी आप कर सकते हैं, और इस पढ़ाई के माध्यम से भी आप आगे जा सकते हैं। आपने कहाँ तक किया, आपने कौन सा आचार्य किया या आपने कौन सा किया? हमारे गुरुदेव भगवान ने जो हमें पढ़ाया है, हमें भागवत की शिक्षा दी है। मेरा मानना ये है कि डिग्रियां और व्यक्ति की काबिलियत, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। हमें सबको डिग्रियां तो पानी ही चाहिए, पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। जो बहुत नंबर ले आते हैं, बहुत ज़्यादा डिग्रियां पा लेते हैं, आखिर वो बहुत सारी डिग्रियां पा के करते क्या हैं? करते तो नौकरी ही हैं। इसलिए मेरा मानना बचपन से ये रहा है कि हमें कुछ ऐसा पढ़ना है जिससे हम नौकरी लेने वाले ना बने, हम लाइन में ना लगें कि भाई साहब हमें नौकरी दे दो। मेरा बचपन से रहा है कि मैं नौकरी लेने वाला नहीं बनूंगा, नौकरियां देने वाला, हमें देने वाला बनना है। और आज भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, मुझे नौकरी लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई लाख रुपए की भी नौकरी दे तो मुझे आवश्यक नहीं उस नौकरी की आवश्यकता। डिग्री और काबिलियत पर महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के उदाहरण दे डाले। आपकी योग्यता आपकी डिग्री से ऊपर होती है, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी की डिग्री कोई नहीं चाहता, उनकी काबिलियत की तूती दुनिया में बोल रही है। मोदी जी की डिग्री कोई नहीं चाहता, उनकी काबिलियत दुनिया में चल रही है। तो आप सबको चाहिए कि डिग्रियों के पीछे बिल्कुल ना भागें, खूब पढ़ाई करें। डिग्रियां तो होनी ही चाहिए आप सबके पास, पर आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता और आपका टैलेंट, सेवा का भाव आपको आगे ले जाता है। इसलिए मैंने डिग्रियों पर ध्यान कम दिया और पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा दिया। अनिरुद्धाचार्य महाराज के आश्रम में उनके दर्शन करने आए भक्तों की कतारें हमने देखी, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा लोग सोशल मीडिया के जरिए अनिरुद्धाचार्य महाराज से जुड़े हुए हैं, और सोशल मीडिया में समर्थक और मीम बनाने वाले दोनों महाराज की लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं। पति कितने हैं बताओ, फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। महाराज जी, आपके सोशल मीडिया पे 14 मिलियन आपके यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, 1.4 मिलियन इंस्टाग्राम पर हैं, तो मिलियंस ऑफ मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, आप स्वयं कितना समय बिताते हैं? अभी कुछ देर पहले देखा था, आप खुद भी रील्स देख रहे थे, बड़ा मुस्कुरा रहे थे, तो कितना समय आप सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं? मैं अपने को ही देखता हूं। मैंने जो देख रहा था वो भी मैं अपने को देखता हूं कि देखिए, सिंपल सिद्धांत है, जो व्यक्ति दूसरों को देखता है वो व्यक्ति सफल नहीं होता। देखना है दूसरों को तो सफल व्यक्तियों को। अनिरुद्धाचार्य सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल कथावाचक हैं, लेकिन कई बार वायरल होने वाले बयान खुद अनिरुद्धाचार्य को ही पसंद नहीं आते। महाराज जी, आप ये बताएं कि कौन सी रील में आपको भी लगा कि अरे यार ये वायरल हो गई, ये लेकिन गलत बोल दिया मैंने? बहुत सारी होती हैं, बहुत, देखिए जब हम बोलते हैं तो बताएं महाराज जी, ताकि हम उसको फिर दोबारा हम भी एक बार देखें कि अच्छा ये तो महाराज जी ने इसको सेलेक्ट किया। अभी एक विधर्मी ने मेरे से प्रश्न किया था कि गाय को आप माता कहते हैं तो भैंस को बुआ कह सकते हैं क्या, बकरी को चाची कह सकते हैं क्या? उसमें मैंने एक एग्जाम्पल देना चाहा था गाय के पक्ष में, पर कुछ शब्दों की त्रुटि हुई जिसमें मैंने बहन और का एक शब्द का प्रयोग किया था, तो वो मुझे भी बुरा लगा कि नहीं बोलना चाहिए, फिर मैंने उसके लिए कहा कि ये गलत है। वैसे कई बार महाराज की कुछ ऐसी बातें भी वायरल हो जाती हैं जो उनके हिसाब से 100% सही हैं। कोई एकादा और ऐसे बताया ना आप मीम को ऐसा वायरल जो आपको लगा कि हाँ ये तो गलती हो गई, सुधारना चाहिए इसको। नहीं, बहुत सारी चीजें तो गलत नहीं है, सही है, पर लोग हंस रहे हैं उन पर भी। ठीक है, आप जैसे मैंने कहा बिस्कुट में जहर कूट कूट के भरा है, ये बिस्की किट है, ये कौन सी गलत है? डॉक्टर तो कहते हैं ना कि बिस्किट मत खाइए, फल खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, वो खाइए। अब उस पर भी लोग मीम्स बना रहे हैं और लोग हंस रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों के हंसने के काम आ रही है, ये भी ठीक बात है, लेकिन वो ज्ञान वर्धक है। वो ज्ञान के लिए है कि आप बिस्किट क्यों खाएं। मैं खुद बिस्किट नहीं खाता, मैं खुद अंकुरित अनाज खाता हूं, मैं खुद हेल्दी। आप खाइए कि भगवान श्री कृष्ण क्या सिखा रहे हैं, मक्खन खाइए। माखन चोरी करने जाते हैं, उन्हें पता था कि कलयुग के लोग बिस्किट पर डिपेंड हो जाएंगे, इसलिए माखन खा के बताया कि बेटा माखन खाया करो। हल्के फुल्के अंदाज में श्री कृष्ण के मक्खन खाने का कलयुग के बिस्किट प्रेम से संबंध जोड़ने वाला महाराज ऐसे ही बयानों से सुर्खियों में भी आ जाते हैं। यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य महाराज से सवालों का फर्स्ट राउंड खत्म होता है। अगले राउंड में अनिरुद्धाचार्य महाराज के उन रहस्यों से पर्दा उठने वाला है
जिनके बारे में किसी को नहीं पता। दर्शकों को जो महाराज जी के फॉलोअर भी हैं, उनको महाराज जी के उस कक्ष तक लेके जाएंगे जहां पर महाराज जी तैयार होते हैं, महाराज जी के वार्डरोब भी दिखाएंगे और वहां पर महाराज जी के साथ में रील भी बनाएंगे। आइए महाराज जी। अनिरुद्धाचार्य महाराज के प्रवचन कक्ष से उनके निजी कक्ष के सफर के बीच कुछ सवाल उनकी महिला फॉलोअर्स और पत्नी और भक्तों की गुरु माता से जुड़े रहस्यों पर भी हुए। खास बात यह है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज के महिलाओं पर बयान खूब वायरल होते हैं। मुझे जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरु जी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरु जी मेरे घर के काम कर लो। इन बयानों के बावजूद उनकी सबसे ज्यादा फॉलोअर्स महिलाएं हैं। ऐसे में इस लोकप्रियता का रहस्य क्या है? महाराज जी ये बताएं कि जब आपके हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत है आपकी। जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो बहुत ही ज्यादा आपको फॉलो करते हैं, चाहे वो आपके भक्त हों या आपकी रील्स को लाइक करने वाले लोग हों, शेयर करने वाले लोग हों। तो जो गुरु मैया हैं आरती जी, तो उनको कभी उस बारे में कुछ चर्चा होती है कि इतनी लड़कियां, इतनी महिलाएं आपको लाइक कर रही हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट कर रही हैं? ये तो देखिए माताओं का प्यार है। मैं माओं की सेवा करता हूँ, चरण दबाता हूँ, तो माएँ स्वाभाविक रूप से वो प्रेम एक माँ वाला और बहन वाला प्यार हमारी बहनें हमें देती हैं, तो एक प्यार स्वाभाविक है। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, अपनी माँ की जब आप पाँव दबाते हैं, तो जब आपको और अन्य नारियां देखती हैं कि आप अपनी माँ के पाँव दबाते हैं, तो उन नारियों के अंदर आपके प्रति एक श्रद्धा पैदा होती है कि ये व्यक्ति नारियों का सम्मान करता है। नारी को खुश करना है, नारी को प्रसन्न करना है, तो केवल एक ही उपाय है कि नारी का सम्मान करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे वो आपकी पत्नी के रूप में हो, या आपकी पुत्री के रूप में हो, या आपकी माँ के रूप में हो। और एक नारी का जब आप सम्मान करते हैं, तो आसपास आपके आसपास की नारियां, चाहे वो किसी भी बहन या माँ के रूप में हो, जो देखेंगी वो आपको अच्छा ही कहेंगे कि ये बालक बहुत अच्छा। कहती हैं कि बहुत अच्छे हैं। हाँ, इनसे तो शादी कर लेनी चाहिए, ऐसे ऐसे शादी हो जाए, क्योंकि उनको तो पता नहीं कि महाराज जी की शादी हो चुकी है पहले से। तो इस बारे में कभी चर्चा नहीं होती माता जी से? ना, इस बारे में कुछ नहीं। ठीक है, सबको पता है कि मैं गृहस्थ हूँ। सबको ही पता है कि मैं गृहस्थ हूँ। अनिरुद्धाचार्य महाराज के निजी कक्ष की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में उनके भक्त भी दिखे। अब महाराज की साज सज्जा से जुड़े रहस्य खुलने वाले हैं। महाराज जी आपको तैयार होने में कितना समय लगता है? मेकअप भी करते हैं आप? ना, तिलक लगाने में जो टाइम लगता है सो लगता है, तिलक ही लगाते हैं, और तिलक लगाने में जो समय लगता होगा बस वही है। आओ अंदर बैठो बेटा। हम आश्रम की पहली मंजिल पर पहुंचे। यहाँ पर वो वृद्ध महिलाएं रहती हैं जिनको आश्रम में रखकर अनिरुद्धाचार्य उनकी सेवा करते हैं। लेकिन मीडिया से इन माताओं को एक शिकायत है। माता जी, Z News से आए हैं हम लोग। भैया मीडिया वालों, आपसे प्रार्थना, हमारे गुरु जी को वो नहीं किया कर जाना। हाँ। महाराज जी इतना सुंदर है, सब छेड़ना चाहते हैं इनको। सुंदर है कि नहीं है? खिलौना है। आप लोग अगली बारी आप भी आना हमारे ऑफिस में। फिर अच्छा है, वो अच्छा है, वो उसमें सब इससे क्या होगा, सबको जानकारी मिलेगी। बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत सबको। ये हमारी माताएं हैं जो यहाँ रहती हैं, सो भी बस 280 वृद्ध माएं हैं यहाँ रहती हैं। हम तो महाराज जी से यही पूछ रहे हैं कि महाराज जी आपको इतने सुंदर तैयार होने में कितना वक्त लगता है? बहुत कम। हम कम लगता है, तिलक लगाते हैं और बस माओ की चरण दबाने आ जाते हैं। एक और मंजिल चढ़ते ही वो कक्ष भी आ गया जहाँ अनिरुद्धाचार्य खुद रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्रिकेट चल रहा है और अनिरुद्धाचार्य ने खुद बल्ला भी पकड़ लिया। महाराज जी तो बोल्ड हो गए। अरे, क्रिकेट खत्म हुआ तो रहस्यों के खुलासे के लिए जी न्यूज ने उनके अतीत को खंगाला। महाराज जी आपने कब सोचा कि मुझे कथावाचक ही बनना है? सोचा तो देखिए, काम करने का सोचा, और मुझे बचपन से ही भागवत पढ़ने का मन था, इसलिए मैं अपने पिताजी से जिद करता था कि मुझे भागवत पढ़ना है। और भागवत पढ़ने के लिए 2006 में 17 जुलाई को मैं वृंदावन आया। पिताजी नहीं लाना चाहते थे वृंदावन, तो मैंने एक वर्ष पढ़ाई ही नहीं की। मेरे को वृंदावन ही पढ़ना है, भागवत ही पढ़ना है, और कुछ नहीं। इतने जिद्दी थे आप? हाँ। अब ये सुनेंगे सब बच्चे लोग, फिर वो जिद्दी हो जाएंगे। तो मेरी जिद ने ही आपको अच्छा काम करने की जिद ही तो पालनी है। जीवन में वही तो सफल है जिसके अंदर सफल होने की जिद है।
पिताजी क्या बनाना चाहते थे आपको? पिताजी हमें यज्ञाचार बनाना चाहते थे, कर्मकांडी बनाना चाहते थे, और मैं कर्मकांडी यज्ञाचार ना बनके मुझे भागवत करने जो कर्मकांड करते हैं जो मीम बनती हैं आपकी मुझे भागवत करने का ही मन था कि भागवत करके ही समाज की सेवा करूंगा। और सेवा करने का मुझे भोजन कराने का बड़ा शौक था, इसलिए आज गौरी गोपाल रसोई में 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं। आप भी अभी प्रसाद पाइएगा। एक जिद ने अनिरुद्धाचार्य को कथावाचक बना दिया, लेकिन अगर ये जिद ना होती तो क्या होता? महाराज जी, अगर आप कथावाचक ना होते, यज्ञाचार्य ना होते तो क्या होते, कभी सोचा है? तो बस पता नहीं भगवान क्या करते और क्या बनाते, जो बनाते। हमने तो कुछ भी बनना नहीं चाहा, जो इन्होंने बनाया है बस वो। मैं बताऊं आप क्या बनते? हाँ, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो बनते ही बनते हैं। यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य के रहस्यों को सामने लाने वाला दूसरा राउंड खत्म हुआ। अनिरुद्धाचार्य महाराज के निजी कक्ष में हम उनके सवालों के तीसरे राउंड की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ वो रहस्य खुलेंगे जिनके बारे में महाराज के सबसे करीबी भक्तों को भी नहीं पता। ये कमरा है महाराज अनिरुद्धाचार्य जी का, जिनको सोशल मीडिया पे लाखों लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग इनको देखते हैं। और एक जो इस तरह का बड़े बड़े आयोजन में जाते हैं महाराज जी, आप ऐसा लगता है कि बड़ा एक आलीशान महल नुमा कमरा आपका होगा, हम भी ये सोच रहे थे आपके वार्डरोब देखेंगे, लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है अलमारी है ही नहीं, कोई कपड़े कहाँ रखते हैं अपने आप? यहाँ है छोटी सी अलमारी दरवाजे के पीछे। तो महाराज जी के वार्डरोब का रहस्य आज दिखाएंगे आपको। महाराज जी परफ्यूम लगाते हैं आप? इत्र भगवान जी लगाते हैं, तो उनका प्रसाद इत्र कभी लगाता हूँ, वैसे में इत्र लगाने का शौकीन नहीं हूँ। अच्छा, परफ्यूम इत्र में लगाता नहीं हूँ और बिल्कुल भी शौक नहीं। सोशल मीडिया पे इतना चलता है और ये हमसे भी कहा कि भाई ये रहस्य पूछ के ना कि महाराज जी बालों में क्या लगाते हैं, इतने अच्छे बाल महाराज जी के, करली बाल कैसे हैं? बाल ऐसे नेचुरल है, जो भगवान ने बनाए हैं वही है, यहाँ पे जो भी है ना नेचुरल है। और लोग बड़ा कहते हैं ना कि बड़े बंगले में, बड़े महल में, ये वृद्ध माओं के लिए जो वृद्धाश्रम है ना उसी में हम भी रहते हैं। ये है पलंग, लगभग इसी साइज का, इसी क्वालिटी का जो है माताओं का भी है, और यही व्यवस्थाएं जो है माताओं के, इससे बड़े कमरे माताओं के हैं अभी आपने देखे। और माताएं जिस व्यवस्था में रहती हैं, जिस तरह के कमरे में, उसी तरह की व्यवस्थाओं में ये दास भी रहता है। जब पति बिजनेसमैन है ठीक ठाक। अनिरुद्धाचार्य महाराज को कथा करते वक्त सुंदर सुंदर वस्त्रों में आपने देखा होगा, लेकिन आज आप वो वार्डरोब देखेंगे जहां महाराज के ये वस्त्र रखे जाते हैं। तो महाराज जी की अब वार्डरोब का रहस्य आपको बताएंगे, एक वार्डरोब की आपके साथ में हम रील बनाएंगे, आपकी अलमारी में कितने वस्त्र हैं, कितने ड्रेसेस हैं और कितने रंगों के ड्रेसेस हैं, ये देखेंगे। देखिए भक्त लोग हमें वस्त्र देते हैं, जैसे किसी भक्त ने ये दुपट्टे दिए, ये देखिए, कहा कि ये वाला दुपट्टा आप डालिएगा महाराज जी हमारा वाला, किसी ने कहा ये दुपट्टा डालिएगा, ये भक्तों का दिया हुआ है। ये देखिए ये भक्तों के दिए हुए वस्त्र हैं, ये भक्तों ने कहा कि हमारा वाला वस्त्र पहनिए, ये वस्त्र हैं। किसी भक्त ने कहा कि ये वाली धोती हमारी पहनिएगा, तो ये भक्त देते हैं और मैं इनको रखता हूँ और इन्हीं को समय समय पर धारण करता हूँ, यही भक्तों का दिया हुआ प्रसाद है। तो इसमें से कोई ऐसा नहीं होता महाराज जी, जैसे जो वस्त्र आए, कोई सुंदर चुनरी लगी, कोई सुंदर ड्रेस लगा, जैसे आपने ये पहना है, तो कोई गुरु मैया को अच्छा लग गया कि ये तो मुझे पसंद है, मैं रखूँगा, ऐसा होता है? हाँ हाँ, तो जो उन्हें पसंद है वो उनमें, और हमें कोई इस तरह का वस्त्र का कोई भेद नहीं है। जो आता है उनके वस्त्र, दुपट्टा इत्यादि जो हमें लगता हम धारण कर लेते हैं, जो हमारे वस्त्र होने लगता है वो धारण कर लेते हैं। महाराज जी वार्डरोब दिखाइए आपकी, ये देखिए, ये है वस्त्र, ये भक्तों के दिए हुए सारे वस्त्र हैं, ये धोतियां हैं ये, और ये वर्षों पुराने वस्त्र हैं। मैं एक कपड़े को कम से कम 3 साल तक पहनता हूँ। इनमें से कुछ वस्त्र जो है ना ये बहुत पुराने हैं, शुरुआती दौर के, चूंकि मेरे इस तरह के जो वस्त्र है ना ये कोई पहनता ही नहीं है, तो कोई ऐसे वस्त्र होते हैं जो कोई पहनता है तो उसे दे दे। तो पहनना ही बड़ा मुश्किल है आम इंसान के लिए, मतलब वृंदावन तो इस तरह के कोई वस्त्र पहनता नहीं है, तो किसी को मैं देना चाहूं, कोई किसी को देता भी हूं वस्त्र में कि भाई आप ले जाओ, तो वो पहनते ही नहीं है, तो वो सारे वस्त्र इसी में पड़े हैं, कहां जाएं, बाहर निकालो तो चूहे खा जाते हैं, इसलिए पुराने से पुराने वस्त्र भी इसमें हैं। और यही चलता, मैं एक वस्त्र को 3 से 4 साल तो घिसता हूं, जब तक पूरा फट ना जाए तब तक। अनिरुद्धाचार्य महाराज के फॉलोअर्स का ध्यान उनके कपड़ों के अलावा उनके श्रृंगार और खासकर उनके बालों पर भी रहता है।
तो महाराज अनिरुद्धाचार्य जी का वार्डरोब आपने देखा, आप उनकी ड्रेसिंग टेबल देखिए। महाराज जी जब तैयार होते हैं, जो लोग कहते हैं कि महाराज जी मेकअप करते हैं, बाल कर्ल करते हैं अपने, तो एक्चुअली करते क्या है महाराज जी, इसका रहस्य खुलेगा। बस ऐसे ही है जैसे भगवान ने बनाया है, और बस ऐसी बात, मैं तो कंघी भी नहीं करता। अभी देखिए कंघी करूं तो पूरे बाल उलझे हुए हैं, कंघी भी नहीं करता, कंघी भी करने का टाइम कम होता है। तो नहा के स्नान करके बाल जैसे हैं बस वैसे ही काम करने निकल जाते हैं, और कंघी भी अभी आप देख रहे होंगे कि कंघी भी नहीं है, ये बाल सुलझे हुए नहीं है, जैसे हैं वैसे। अनिरुद्धाचार्य महाराज गृहस्थ आश्रम में हैं, उनकी पत्नी के बारे में बातें हुई, लेकिन उनके दोनों बेटे पहली बार टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो यहाँ महाराज जी के कक्ष में विराजमान है लड्डू गोपाल, और महाराज जी यहाँ स्वयं विराजमान है, और उनके साथ में उनके लड्डू गोपाल भी हैं। महाराज जी ये दोनों आपके पुत्र हैं जी, और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर या टीवी कैमरास पर पहली बार ही लोगों को पता लगा आपके सामने है। क्या नाम है बेटा आपका? अध्यात्म। अध्यात्म, क्या बड़ा सुंदर नाम है। आपका क्या नाम बेटा? शिव। शिव अध्यात्म, क्या खूबसूरत नाम है। महाराज जी बताएं कि बच्चे बड़े क्यूट हैं, ये लड़ते भी हैं आपस में दोनों? बताओ लड़ते हो? लड़ते हो, कौन जीतता है फिर? अच्छा आप जीतते हो। अच्छा महाराज जी बताइए कि आपके पिताजी आपको यज्ञाचार्य बनाना चाहते थे, आप कथावाचक भागवत की सेवा करना चाहते थे, दोनों बच्चों को आप क्या बनाना चाहते हैं? हम इन दोनों को चाहेंगे कि समाज की खूब सेवा करें, वृद्ध माओं की खूब चरण दबाएं, सबको भरपेट भोजन कराएं, दीन दुखियों की मदद करें, ये बड़े होकर के समाज की सेवा करें। और जो यहाँ कार्य चल रहे हैं गौरी गोपाल में, आज यदि यहाँ 30,000 लोग खा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो ऐसे हर जगह राज्य राज्य में इनके द्वारा लंगर बांटा जाए, भोजन बांटा जाए, ताकि केवल वृंदावन में ही भोजन ना मिले, जहाँ जहाँ आवश्यक है लोगों को भोजन की, वहाँ वहाँ भी ये लोग भोजन दे सकें। जो कार्य हम कर रहे हैं उससे भी अधिक कार्य सेवा का ये करें। आप क्या बनना चाहते हो? पिताजी की तरह। अच्छा आप क्या बनना चाहते हो? अरे वाह, तो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, पिताजी की रील देखते हो? कहाँ, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर? यूट्यूब पे। और आप कहाँ देखते हो? यूट्यूब पे देखते हो। अच्छा, कुछ इस तरह श्रृंगार करते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है उसका एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। महाराज जी आपका जीवन का एक अंतिम उद्देश्य क्या है कि मुझे ये अचीव करना है? अब देखिए लगभग सारे कार्य, जो इच्छाएं तो कुछ थी ही नहीं कभी, आज भी कोई विशेष इच्छा नहीं है, बस ये है कि गौरी गोपाल में जो सेवाएं चल रही हैं माताओं की, अखंड रसोई की, ये अखंड चलती रहे, ये बंद ना हो। और मेरे जीते जी, मेरा सपना है कि ये मेरे जीते जी, मेरी सांसें जब तक है तभी तक ये सेवा चलती रहे, आगे बच्चे चलाएं, भगवान चलाएं, जिसको भगवान आगे की भगवान जाने, पर मेरी सांसें जब तक है तब तक ये सेवा चलती रहे। मैं ये चाहता हूँ कि सब माँ की सेवा मैं करता रहूँ, सबको भोजन, गौरी गोपाल में जो भी आए सबको पेट भर भोजन मिल जाए बस। तो महाराज अनिरुद्धाचार्य जी के जीवन से जुड़े हमने वो रहस्य आपको बताए, उन रहस्यों से जुड़ी रील आपको दिखाई जो अभी तक आपने नहीं देखी थी। आपके जो भक्त हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, उनको हमने आज आपका वार्डरोब तक दिखाया, और मुझे लगता है कि ये जो रील है ये आप उसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे इस? जरूर जरूर। कोई रहस्य को छुपा रहे थे आज, उसको हम अगले पार्ट में दिखाएंगे, लेकिन चलते चलते एक आपके भजन के साथ, संगीत के साथ इस आज की रील को हम क्लोज करते हैं। धन्यवाद। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे की समस्याएं क्या है? आंख से देख न पाओगे, पांव से चल नहीं पाओगे, कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? और भजन नहीं किया तो तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में।